हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 44। आज हम लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर है हमारे पास 44। लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल हमारे पास 59 से लेकर 65 तक। ठीक है, ये हमारे पास डील करते हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन वैन रेलिवेंट, मतलब तीसरे पर्सन के जो ओपिनियन है ना, जो तीसरे पर्सन की जो राय है ना, वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये हमारे पास 45 से लेकर ये 51 तक, 45 to 51। ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। आइए देख लेते हैं हमारे पास ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन वैन रेलिवेंट। ये बेसिकली होते क्या है, ये होते हैं हमारे पास एक्सपर्ट्स, मतलब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स या जो भी होते हैं ना हमारे पास दूसरे जो लोग होते हैं उनकी जो राय होती है ना उसके बारे में डील करता है। आइए देख लेते हैं हम आर्टिकल हमारे पास 59 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 45, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन कब रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, जब कभी भी कोर्ट को अपनी राय बनानी हो, अपनी राय कायम करनी हो। ठीक है, किस पॉइंट पर, हमारे पास फॉरेन लॉ, अरे बस किन पर, फॉरेन लॉ। ठीक है, साइंस पर, आर्ट पर, या फिर आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी, अब हमारे पास दो चीज़ों की, कौन कौन सी, एक हैंडराइटिंग और दूसरी फिंगर इम्प्रेशंस। ठीक है, द ओपिनियन अपॉन दीड पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ साइंस आर्ट आर इन क्वेश्चन इज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब इन पर जो भी एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब फॉरेन लॉ की बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो लॉ के अंदर जो एक्सपर्ट होगा, ठीक है, अगर वो कोई ओपिनियन देगा ना किसी कानून की पॉइंट पर तो फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा। आरी बस मुझे, और आर्ट के अंदर अगर कोई आर्टिस्ट अपनी कोई ओपिनियन देता है किसी बात की तो फिर वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, और आइडेंटिटी के अंदर हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस, अगर दो शख्स एक राइटिंग से है, ठीक है, एक राइटिंग है कि ये राइटिंग किसकी है, अगर वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होता है ना वो कंक्लूजन निकाल दे कि ये राइटिंग इसकी है तो फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा। अगर वो कंक्लूजन निकाल दे कि ये राइटिंग इसकी नहीं है तो फिर वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। और फिंगर इम्प्रेशंस, जहाँ के आपने देखा अभी हमारे पास जदीद हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अरे बस समझ में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ये आपने देखा या हमारे पास जो है ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो भी हमारे पास डेटा है ना उनसे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उन पर अगर कोई ओपिनियन होती है उस एक्सपर्ट की तो फिर वो रेलिवेंट मानी जाएगी। आरी बात में, जैसा कि हमारे पास अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, एक पार्टी कहती है कि ये तो एग्रीमेंट मेरा है नहीं, तो फिर फिंगर इम्प्रेशन, जो फिंगर एक्सपर्ट होगा आइडेंटिटी वाला, ठीक है, उनकी जो ओपिनियन होगी ना वो रेलिवेंट मानी जाएगी कि ये इस शख्स की फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं है। जब बेसिकली हम बेयर रीडिंग कर लें तो फिर बेयर रीडिंग के अंदर हमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बात टू द पॉइंट समझ में आ जानी चाहिए। आरी बात समझ में, सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और जो इन पॉइंट्स पर, ऐसी पॉइंट्स पर जो भी अपने ओपिनियन देगा उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। अब ये एक्सपर्ट कौन होता है, एक्सपर्ट की हमारे पास एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये एडमिसिबल होते हैं नहीं होते हैं, ये सब मैं एक अलग लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ये बेयर रीडिंग है, आप सिर्फ बेयर रीडिंग पर ध्यान दें। यहाँ तक बात क्लियर है, इसके बाद चलते हम इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन ए बात करता है, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। अब सवाल ये है कि क्या ए का जो हमारे पास डेथ हुई है, ए का जो मौत हुआ है ना, क्या वो उसी जहर से हुआ है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन व्हिच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलिवेंट।
अब एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है कि जो जहर जो दिया गया है उस जहर से जो अलामतें जो सिम्टम्स ठीक है जो निशानियां जो हमारे पास निकली हैं ठीक है वो निशानियां उसी जो है हमारे पास उसी निशानियों की वजह से उसकी डेथ हुई है ठीक है। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है आर रेलिवेंट तो फिर वो हमारे पास रेलिवेंट माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, एक बात फिर भी देख लें कि यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ए की जो है मौत उसी जहर से हुई है ठीक है, एक जहर से हुई है तो फिर अब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स लिया जा रहा है और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है हमारे पास ठीक है वो दे रहा है कि सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द पॉइजन जो जहर वही जो जहर उन पर हमारे पास दे दिया गया है कि एक इसी जहर से डेथ हुई है तो उसी जहर से वो सिम्टम्स जो निकाल रहे हैं ना ठीक है जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना ठीक है उससे सपोज टू हैव डाइड उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इसी जहर से मरा है तो फिर वो जो ओपिनियन है ना जो वो डॉक्टर की सर्जन की वो रेलिवेंट मानी जाएगी। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन बी पर, ये इलस्ट्रेशन बी है ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ द डूइंग अ सर्टेन एक्ट वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट है और वाट ही वाज डूइंग वाट वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। अब सवाल ये है कि जो सवाल ये है कि जो ए ने जो काम किया है ना ठीक है जो अमल किया है ना क्या वो जब अमल उसने जो वो काम किया उस वक्त वो क्या था पागल था या फिर वो समझ नहीं पा रहा था उस जो काम किया उसकी जो है नेचर का कि इसका क्या नेचर होगी या फिर वो ये नहीं जानता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है और ये कानून के ख़िलाफ़ है ठीक है। ये है सवाल। अब ओपिनियन क्या है, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए। अब जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है ना जो ए ने जो दिखाए हैं जो ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट ने जो निकाले हैं ठीक है ए से एट्रीब्यूट्स किए हैं वो कॉमनली शो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो आम तौर पर ठीक है कॉमनली जो है वो पागलपन दिखा रहा है। वेदर सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूजुअली रेंडर्स पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट व्हिच दे डू। और आम तौर पर ऐसे पागलपन शख्स का अगर कोई काम करता है तो फिर वो इनकेपेबल होता है वो ये नहीं जान पाता कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना ठीक है आ रही बात समझ में, उसकी इनकेपेबल होता है उसकी नेचर का उसकी फितरत जानने का कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी क्या नेचर रहेगी आर ऑफ नोइंग व्हाट दे डू आइदर रॉन्ग आर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ आर रेलिवेंट। मतलब वो ये भी नहीं जान पाता कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो गलत है या फिर वो कानून के ख़िलाफ़ है। अगर ये जो एक्सपर्ट ने दिया है ना कि वाकई ये तो पागल है तो फिर ये इसकी जो है ना एक्सपर्ट की ओपिनियन वो रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन सी पर। इलस्ट्रेशन सी बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए। अब सवाल ये है कि कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से एक खत है या फिर कोई एक रजिस्ट्री है सेल डीड है या फिर कोई भी किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है कि वो ए ने लिखा है या नहीं। एन अदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस व्हिच इज प्रूव्ड, एक दूसरा डॉक्यूमेंट से पेश कर दिया गया जिसको साबित कर दिया गया जिसको एडमिट भी करवाया गया कि ये ए ने लिखा ये साबित हो चुका है एक दूसरा डॉक्यूमेंट पेश किया था। अब मसला क्या है द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द क्वेश्चन वेदर टू डॉक्यूमेंट्स वर रिटन बाय द सेम पर्सन और बाय डिफरेंट पर्सन। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं एक तो डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो गया दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट्स कि वो तो ए ने लिखा है। अब जो एक जो सर्टेन जो डॉक्यूमेंट है रिटन बाय ए ठीक है वो कैसे साबित करें कि ये भी इनका ही लिखा हुआ है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो तो हमारे पास पेश किया गया है और साबित भी कर दिया गया है और एडमिट भी कर दिया है ए ने कि ये मैंने लिखा है ठीक है और पार्टी ने भी एडमिट करा लिया कि ये ए ने लिखा है। अब उससे पहले वाला जो कोर्ट में जो फैक्ट इशू था
कि ये ए ने लिखा है, वो कैसे साबित हो कि ये ए ने लिखा है। वो अब यहाँ पर एक्सपर्ट की ओपिनियंस ली जाएगी कि ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये जो है एक ही शख्स ने लिखे हैं या फिर अलग अलग शख्स लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, अब इन पर जो भी इनकी हमारे पास ओपिनियंस आएगी, अगर ये एक्सपर्ट जो है ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये ओपिनियन दे दे कि ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही पर्सन ने लिखे हैं, तो फिर भी रेलिवेंट माना जाएगा। अगर ये ओपिनियन दे दे कि ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, तो ये भी पॉइंट रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है डियर्स? उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 60 पर। आर्टिकल 60 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 46 ये बात करता है फैक्ट्स बियरिंग अपन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब जो हकीकत है ना, जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स पर हमारे पास ताल्लुक़ रखती हो, उनसे ताल्लुक रखती हो, उन पर बियर करती हो, आ रही बात समझ में? इसकी वैलिडिटी देख लें, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। अब फैक्ट्स ऐसी हकीकतें हैं जो कि रेलिवेंट नहीं हैं, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट बन जाती है इफ़ दे सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, सपोर्ट या इनकंसिस्टेंट। सपोर्ट मीन्स अफर्म, सपोर्ट मीन्स अफर्म, अफर्म मीन्स मानना, और इनकंसिस्टेंट मीन्स डिनाय। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं हमारे पास, सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है डियर्स, आर रेलिवेंट इफ दिस सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विथ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, आ गई आपके पास एक, आप ये देख लें एक, फिर भी मैं आपकी एक दूसरी सी ट्रिक देते हैं छोटी सी कि इसको आप ना पढ़ें। ठीक है, आर रेलिवेंट इफ सपोर्ट विथ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, इसको आप छोड़ दें, अब वो पढ़ें आप ऊपर वाला। ठीक है, इसको आप ना पढ़ें। ठीक है, अब वो पढ़ें, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। ठीक, व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट, ये क्या है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। ठीक है, व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट, इनको आप ऐसे पढ़ें, आपको फिर आपको समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको इन जो आर्टिकल्स है इन पर दोबारा से मैं आपकी रीडिंग करा लेता हूँ। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जो फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट बन जाते हैं इफ़ द सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विथ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जो ओपिनियन है ना एक्सपर्ट की उनसे क्या करें, या तो उनको अफर्म करें या उनको डिनाई करें। When such opinion are relevant, जब वो opinion जो है ना वो relevant हो, अरे बस एक opinion आ गई है कोर्ट के अंदर, अब उन वो जो opinion है ना वो क्या कर रहा है, वो तो या तो support कर रहा है या तो फिर उसको deny कर रहा है, अरे बस affirm हो रहा है या फिर deny हो रहा है। बात समझ में आ गई? ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप बार बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में ये बात आएगी। इसके illustration आप देख लेंगे ना, आपको समझ में बात आ जाएगी। ठीक है डियर्स, illustration ए चलते हैं। इलस्ट्रेशन ए क्या बात करता है, इलस्ट्रेशन ए बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय अ सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्संस हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स व्हिच एक्सपर्ट्स अफर्म और डिनाई टू बी द सिम्टम्स दैट पॉइजन इज रेलिवेंट। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ए की मौत इसी जहर से हुई है? अब हकीकत यह है कि दूसरे लोगों की जो मौत हुई है, ठीक है, हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन, ठीक है, उसी जहर से हुई है, एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स व्हिच एक्सपर्ट अफर्म, और जो हमारे पास अलामतें, जो निशानियां, सिम्टम्स मीन्स निशानियां, अलामतें, ठीक है, जो निशानियां हमारे पास उस जहर से ली गई हैं, ठीक है, उसको या तो वो हमारे पास अफर्म कर रहा है कि हाँ ये वही जहर है, या फिर वो हमारे पास सिम्टम्स जो है डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये तो वो जहर नहीं है, टू बी द सिम्टम्स दैट ऑफ दैट पॉइजन इज रेलिवेंट, तो फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है,
अब ये ऐसे मतलब मतलब ऐसी हकीकतें ठीक है अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आ गया है ठीक है उनकी बुनियाद पर दूसरी हकीकतें कब रेलिवेंट मानी जाएंगी। ठीक है डियर, समझ में आ गई बात। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी, इलस्ट्रेशन बी बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू अ हार्बर इज कॉज्ड बाय अ सर्टेन सीवाल। अब सवाल ये है कि क्या किसी हार्बर, हार्बर वर्ड क्या है, हार्बर वर्ड जो है सी पोर्ट है, ये क्या है, ये सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह। अरे बस समझ में, जो समुद्र के जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर शिप्स आके खड़ी होती हैं, जहाज़ के लिए हमारे पास एयरपोर्ट होते हैं और जो शिप्स हैं उनके लिए सी पोर्ट होते हैं, तो फिर ये हार्बर जो है जो सी पोर्ट है। ठीक है, अब सवाल ये है कि एक हार्बर को रुकावट डाली जा रही है किसी सी वाल से। अब सी वाल क्या है, वर्ल्ड सी वाल क्या है, वर्ल्ड सी वाल जो है वो पत्थर की दीवार को कहते हैं। ठीक है, कि एक समुद्र के अंदर जो पत्थर की दीवार जो है वो रुकावट बन रही है उस सी वाल तक जाने के लिए। अब हकीकत क्या है, द फैक्ट दैट अदर हार्बर्स सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट्स। अब हकीकत ये है कि दूसरे वहाँ पर सी पोर्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, उसी हिसाब से वहीं पर ही उसके मतलब आसपास, बट वेयर देयर वर नो सच सी वाल्स, पर वहाँ पर तो कोई ऐसी दीवार नहीं है, पत्थर की कोई दीवार नहीं है, बिगेन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड जो कि एक रुकावट डाल दे, एट अबाउट द सेम टाइम उसी वक्त इज रेलिवेंट फैक्ट, वो जो है रेलिवेंट फैक्ट माना जाए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिनाय हो रहा है। अरे बस समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है डियर, उसके बाद हम चले जाते हैं आर्टिकल हमारे पास है 40 और 61, कानून शहादत के अंदर 61 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 47। ठीक है, ये बात करता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वैन रेलिवेंट। अब हैंड राइटिंग की जो ओपिनियंस है ना, हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन कब रेलिवेंट मानी जाएगी, वेन द कोड हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू पर्सन बाय होम एन डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। जब कोर्ट को ये राय कायम करनी हो, जब ये ओपिनियन ड्रा करना हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसने लिखा है या फिर जो साइन की गई है वो साइन किसकी है, ये ओपिनियन ड्रा करना है कोर्ट को, ये ओपिनियन कोर्ट को निकालना है, ये राय जो है कोर्ट को निकालनी है कि ये डॉक्यूमेंट लिखा किसने है, ये साइन किसने की है। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन अक्वेंटेड विथ द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाई होम इट इज़ सपोज टू बी रिटन। अब जो है ओपिनियन किसकी, अब राय किसकी ली जाएगी, किससे किसकी बात मान ली जाएगी, किसकी बात को अहमियत दी जाएगी, ओपिनियन मतलब किसकी राय जो है मान ली जाएगी, वो उनकी बात जो अक्वेंटेड हो, अक्वेंटेड मीन्स जो वाकिफ हो, ठीक है, जो जानता हो हैंड राइटिंग उस शख्स की, होम इट इज़ सपोज टू बी रिटन कि उसने ही उसी शख्स ने लिखी है, आर साइंड दैट इट वाज आर इट वाज नॉट रिटन आर साइंड बाय दैट पर्सन इज रेलिवेंट फैक्ट। वो शख्स जो जानता है कि उस ये राइटिंग एक शख्स के बारे में जानता है कि उसकी राइटिंग कैसी है, ठीक है, तो फिर वो जो कहेगा ना कि ये राइटिंग उसकी है या नहीं है, तो फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन इज सीन टू बी अक्वेंटेड विथ द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि एक शख्स को अक्वेंटेड मान लिया जाएगा, ठीक है, विथ द हैंड राइटिंग, एक दूसरे शख्स की हैंड राइटिंग से कि वो उनको जानता है, वो तब मान लिया जाएगा वेन ही हैज़ सीन दैट पर्सन राइट, जब वो शख्स लिखता है तब उसने देखा है उसको लिखते हुए, ठीक है, आर वेन ही हैज़ रिसीव डॉक्यूमेंट्स प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, या फिर उसने डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिसीव किए हैं जिसको मान लिया जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स उसी ने ही लिखे थे, ठीक है,
दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ आर अंडर हिज अथॉरिटी, कि वो डॉक्यूमेंट्स उसने खुद लिखे या फिर उसकी अथॉरिटी के अंदर लिखे गए, ठीक है, उसके एजेंट ने, उसके किसी भी ब्रोकर ने लिखे, आर एड्रेस टू दैट पर्सन, या फिर उसी शख्स को वो लेटर्स भेजे गए हो, आर वेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटेन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, कि वो आम तौर पर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आम तौर पर उसको जमा किए जाते थे। अरे बात समझ में, वो जो है ना उनकी जो ओपिनियन होगी ना वो रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी अंदर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट, आप पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, मगर जब आपको समझ में आ जाएगी बात तो आप कहेंगे कि ये तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है डियर, देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ रिटन अ गिवन लेटर इन इज द हैंड राइटिंग ऑफ ए। अब सवाल ये है कि जो एक लेटर है क्या वो इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए, क्या वो ए की लिखाई है। अब मर्कट इन लंडन, एक हमारे पास व्यापारी है लंडन का, उसकी। बी इज़ अ मर्कट इन पेशावर, बी जो है पेशावर के अंदर व्यापारी है। हु हैज़ रिटन लेटर्स एड्रेस टू ए एंड रिसीव लेटर्स प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाय हिम। सी इज बीज क्लर्क। अब यहाँ पर जो लेटर्स जो लिखे गए, उनको जो लेटर्स भेजे गए और जो लेटर्स लिखे गए, ठीक है, वो लेटर्स किसने रिसीव किए, सी ने। सी अब कौन है, सी जो है बी का ब्रोकर है जी। आ रही बात समझो डियर, क्या है कि जो सी जो है ना वो बी का ब्रोकर है, अब वो बी का क्लर्क है, ठीक है। हुज ड्यूटी इज इट वाज टू एग्जामिन एंड फाइल बीज करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, और उसकी ड्यूटी क्या है कि बी की जो भी काम वगैरह होता है ना उनको वो एग्जामिन करता है, उनकी देखभाल करता है। अब डी इज बी ब्रोकर, और डी जो है वो बी का ब्रोकर है। टू होम बी हैबिचुअली सबमिटेड द लेटर्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय ए फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग हिम देयर ऑन, और बी जो है वो खास करके उनके पास जो है अपने लेटर्स जमा करवाया करता था, ठीक है। आ रही बात समझ में, उनसे हमारे पास मशवरा लेने के लिए। अब इन पर ओपिनियन किसकी मान ली जाएगी कि ये लेटर ए का है, ए की हैंड राइटिंग है या नहीं। अब जो ओपिनियन जो बी है ना, ठीक है, बी जो पेशावर में हमारे पास व्यापारी है वो ट्रेड हमारे पास व्यापारी है वो, और सी, सी क्या है, बी का जो क्लर्क है वो, और डी, डी जो हमारे पास ब्रोकर है बी का, उन सब की जो भी हमारे पास जो भी ओपिनियन होगी वो सब की सब ओपिनियन क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएगी। ऑन क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए आर रेलिवेंट, दो नाइदर बी सी आर डी एवर सा ए राइट, भले चाहे बी सी और डी ने कभी ए को लिखते हुए देखा ही नहीं, मगर ये समझा जाएगा कि जो लेटर्स लंदन से आया करते थे ना वो लेटर्स जो है हमेशा इसी हैंड राइटिंग में आते थे, तो समझेंगे वही उसी ने ही लिखे होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक कंक्लूजन ड्रा होती है खास आम तौर पर, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 48, ये बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। अब राइट ऑफ कस्टम, ठीक है, राइट ऑफ कस्टम या वो राइट ऑफ हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, ठीक है। अब जब सवाल आ जाए राइट या फिर कस्टम का, ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस का, तो फिर उन पर जो ओपिनियन होगी वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है, जनरल बात आ जाती है, हमारे पास पब्लिक नेचर की बात आ जाती है कि जब कोई कस्टम और
राइट की बात आ जाती है, उनकी मौजूदगी की बात आ जाती है तो उनको कब रेलिवेंट माना जाएगा? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट। अब कोर्ट को जब ये कंक्लूजन ड्रा करनी हो, ये राय बनानी हो, ये राय कायम करनी हो कि कोई राइट, कोई जनरल राइट जो है वो मौजूद है या नहीं, उसकी एग्जिस्टेंसी है या नहीं है, कोई राइट मौजूद है या नहीं है, द ओपिनियन इज़ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट, तो फिर उस ऐसे जो कस्टम और राइट की जो एग्जिस्टेंसी है ना, उनसे रिलेटेड ऑफ पर्सन्स हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट। अब जो उनके बारे में जानता है ना, ठीक है, उनकी जो ओपिनियन जो होगी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम आर राइट इंक्लूड कस्टम्स आर राइट राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। अब जो यहाँ पर जनरल कस्टम आर जो राइट है ना, ठीक है, उसमें ये बात भी शामिल हो जाती है कि जो कंसिडरेबल वर्ड, कंसिडरेबल जो है ना वो वर्ड्स आता आ जाता है, लार्ज इसकी माना होती है बड़ा, जो हमारे पास एक कम्युनिटी होती है कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, मतलब कोई ऐसी खास कम्युनिटी होती है, उनकी जो ओपिनियन होगी वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। अब इलस्ट्रेशन यहाँ पर क्या है? द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन ये है कि गांव के जो लोग हैं, देहाती जो लोग हैं, उनका जो है हमारे पास पर्टिकुलर एक विलेज है, एक पर्टिकुलर विलेज मीन स्पेसिफिक विलेज, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है जिसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल वहरो, वहरो इज द हमारे पास पर्टिकुलर विलेज नेम, या फिर हम कहते हैं एक गांव का नाम है, क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गुजरात, ये गुजरात एक गांव का नाम है। विंडो बंद करें, विंडो, ठीक है। तो फिर इस गांव के अंदर एक हमारे पास पानी का क्या है, वेल है, पानी का, ठीक है, पानी का कुआं है। उनके बारे में ये जो लोगों की जो राय है ना कि ये जो है सब लोगों के लिए है, मतलब जनरल है, आम पब्लिक के लिए है, तो फिर वो बात जो है वो रेलिवेंट माननी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर डियर? उसके बाद हम चले जाते हैं आर्टिकल हमारे पास 63। आर्टिकल 63 बात करता है, आर्टिकल 63 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा, सेक्शन 49, सेक्शन 49 और आर्टिकल 63। ये बात का था ओपिनियन इज टू यूजेज टेनेट्स ईटीसी आई व्हेन रेलिवेंट, मतलब ओपिनियन किसके बारे में, यूजेज मतलब रस्म रिवाज, एक्सेप्टेड हैबिचुअल प्रैक्टिस, जो रस्म वगैरह हम निभा करते हैं ना, रस्में वगैरह हमारी होती हैं, ठीक है, और टेनेट्स मीन्स जो हमारा अकीदा है, रिलीजन से रिलेटेड जो बात है, ठीक है, उन पर। आइए देख लीजिए, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, जब कोर्ट को इन बातों पर राय कायम करनी हो तो क्या होगा, कौन कौन सी बातों पर, ठीक है, द यूजेज एंड टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मेन ऑफ फैमिली, के जो यूजेज जो एक किसी शख्स या किसी खानदान की रस्म रवाज या फिर उनका अकीदा कौन सा था, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस आर चैरिटेबल फाउंडेशन, के जो कोई हमारे पास चैरिटेबल फाउंडेशन की कोई क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, उनकी क्या गवर्नमेंट थी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आर बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल, कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एक हमारे पास पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पर्टिकुलर लोगों से, पर्टिकुलर लोग जो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसकी मीनिंग्स क्या होगी, ठीक है, द ओपिनियन ऑफ
पर्सन लाइंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब उन पर उन बात पर उस लोग उस शख्स की ओपिनियन राय जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी जो शख्स उस बात पर उन हमारे पास यूजेज टेनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ठीक है हमारे पास कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन हो या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड्स हो उनके बारे में स्पेशल नॉलेज रखता हो ठीक है तो फिर उनकी बात मान ली जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड है ठीक है एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब पाकिस्तान पाइंदाबाद की मीनिंग्स जो है वो कब कोर्ट को चाहिए जब रेलिवेंट उन पर ओपिनियन ड्रा करनी हो कि पाइंदाबाद की मीनिंग क्या है। अब एक पाइंदाबाद फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर प्लेस में वो वर्ड्स इस्तेमाल होता है वो शख्स आके वहाँ पर वो शख्स रहता है वो शख्स कहता है कि मुझे पता है इसकी मीनिंग ये है इसकी मीनिंग यहाँ पर ये हम इसकी समझते हैं अरे बात तो फिर वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 64। ये बात आपको समझ में आ गई वेरी सिंपल है ठीक है आ रही बात समझ में। मतलब जो शख्स आर्टिकल 63 के अंदर जो शख्स जानता है ठीक है उस फैमिली के बारे में उस फैमिली के रस्म व रिवाज के बारे में उस फैमिली के अकीदे की कि उस फैमिली का कौन सा मज़हब है या फिर उस शख्स का कौन सा मज़हब है जो शख्स जानता है उसकी ओपिनियन रेलिवेंट मानी जाएगी ठीक है। अरे बस बिल्कुल क्लियर है। और हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस आर चैरिटेबल फाउंडेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना और या फिर गवर्नमेंट की होती है हमारे पास किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन की ठीक है उनके ऊपर जो भी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं उन पर उनकी उनके बारे में जो भी स्पेशल हमारे पास नॉलेज रखता हो तो फिर उनकी बात वो मान ली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 64 पर। आर्टिकल 64 बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट ठीक है व्हेन द कोर्ट हैज़ के एक रिलेशनशिप के बारे में कब ओपिनियन जो है रेलिवेंट मान ली जाएगी। When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, जब कोर्ट को ये ज़रूरत हो ओपिनियन ड्रा करने की ओपिनियन राय जो है अपनी राय कायम करने की ठीक है कोर्ट को जब अपनी राय कायम करनी हो इस बात पर कि एक शख्स का दूसरे शख्स से क्या रिश्ता है एक शख्स का दूसरे शख्स से क्या रिश्ता है। फॉर एग्जांपल कोर्ट को ये बात मालूम करनी है कि ए का बी के साथ क्या रिश्ता है ठीक है आ रही बात समझिए तो द ओपिनियन तो उन पर जो ओपिनियन है एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट जो उनके जो कंडक्ट्स है ना जो उनका रवैया है ना एक दूसरों का ठीक है आ रही बात समझिए जो एक दूसरों का जो रवैया है ना क्या एक दूसरे का जो कंडक्ट है एक्सप्रेस कंडक्ट है ठीक है उनसे जो भी कंक्लूजन ड्रा की जाएगी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। आ रही बात समझ में एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप मतलब जो एक दूसरे का जो रवैया है कंडक्ट है एक दूसरों पर ठीक है जो एक दूसरे का जो भी मतलब चाल चलन है एक दूसरे की ठीक है एक दूसरे के लिए ठीक है तो वो रिलेशनशिप की मौजूदगी को जाहिर करेंगे। ऑफ एनी पर्सन किसी भी शख्स की हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली आर अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज रेलिवेंट फैक्ट। बिल्कुल आसान है कि जहाँ पर वर्ड सब्जेक्ट है वर्ड सब्जेक्ट मीन्स वर्ड सब्जेक्ट की माना क्या निकलेगी हमारे पास वर्ड सब्जेक्ट की माना निकलेगी सब्जेक्ट मैटर। आ रही बात समझ में कि ऐसी बात पर जब रिलेशनशिप किसी शख्स का दूसरे शख्स से रिलेशन हमें कोर्ट को मालूम करना है तो फिर उस पर ओपिनियन किस शख्स की मानी जाएगी उस शख्स की जो उस शख्स का फैमिली मेंबर हो या फिर कोई और शख्स हो जो कि अच्छी खासी उसके बारे में मालूमात रखता हो नॉलेज रखता हो उसकी जो बात जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी ठीक है।
हमारे पास दो शख्सों की, कौन सी, एक तो हो ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, एक जो शख्स जो उस फैमिली का मेंबर है, दूसरा कौन सा, आर अदरवाइज हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, कि उस बात पर, या फिर दूसरा वो शख्स जिसकी उस बात पर अच्छी नॉलेज है, अच्छी उनको मालूम आते, तो उनकी बात मान ली जाएगी। अब इन पर एक दिन, इनके जो आर्टिकल है इसके अंदर कुछ शर्तें भी दी गई हैं कि जो हमारे पास सेक्शंस हैं कि प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियंस शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज एंड प्रोसीडिंग्स अंडर द डाइवोर्स एक्ट। एक डाइवोर्स एक्ट का, अगर डाइवोर्स एक्ट के तहत अगर कोई केस चल रहा है तो उसके अंदर ओपिनियन नहीं मानी जाएगी, उसके अंदर एविडेंस लेकर आना ज़रूरी है, ठोस एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री या फिर ऐसे एविडेंस जिससे वो रिलेशन हमारे पास ड्रा हो सके, ठीक है, रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके, उन पर ये ओपिनियन नहीं चलेगी, ओपिनियन इररेलीवेंट मानी जाएगी। आर इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, या फिर जो प्रोसिक्यूशन केस जो चल रहा है एक औरत पर कि इसने एक अपने शोहर के जिंदा होते हुए दूसरी शादी की, मीन्स बायगेमी का इल्ज़ाम है, तो उनके अंदर ओपिनियन नहीं माना जाएगा कि इसने इसका दूसरा कोई शादी है या नहीं, ठीक है, इसके अंदर ओपिनियन, इसके अंदर ठोस सबूत चाहिए। या फिर हमारे पास 495 जो है ये बात करता है कंसील बायगेमी विथ द सब्सिक्वेंट लाइफ पार्टनर, कि इसने जो है अपना पहले वाला जो हस्बैंड है उसको छुपाया है, ठीक है, उसने, इसने दूसरी शादी कर ली है पहले वाले हस्बैंड को छुपा कर, आज बस मतलब इसने जाहिर नहीं की दूसरे, जब जब इसने शादी की दूसरी तो उस शख्स को बताया नहीं कि उसकी पहले से शादी है, तो इन पर थर्ड पर्सन की ओपिनियन इररेलीवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, आइए इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। अब सवाल ये है कि क्या ए और बी जो हैं दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है, अब सवाल क्या है कि ए और बी दोनों जो हैं वो शादीशुदा हैं या नहीं, ठीक है, अब इन पर देख लेते हैं। द फैक्ट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इट इज रिलेवेंट। अब यहाँ पर बात यह है कि हकीकत यह है कि सवाल ये था कि ए और बी क्या शादीशुदा हैं, अब हकीकत क्या है कि जो इनके जो दोस्त थे ना वो आम तौर पर वो जो है इन दोनों को एज हस्बैंड और वाइफ तस्वर करते थे, ठीक है, मानते थे, ट्रीट करते थे, ठीक है, तो फिर वो पार्ट जो है वो रिलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बायगेमी और हमारे पास प्रोसिक्यूशन केस नहीं चल रहा या फिर डाइवोर्स वगैरह नहीं चल रहा, उसके अलावा, ठीक है, ठीक है, फैक्ट इशू के अंदर कोई मैटर ना हो उसके अलावा हटकर ये बात जो है ये ओपिनियन रेलिवेंट मान ली जाएगी किसी शख्स के रिलेशनशिप की बात के जब बात आए तो, ठीक है। इलस्ट्रेशन बी बात होता, क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। अब सवाल ये है कि ए जो है वो बी का जायज़ औलाद है, ए जो है बी की जायज़ औलाद है। द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट। अब हकीकत यह है कि ए जो है उसको हमेशा ऐसा ही उससे उसको ट्रीट किया जाता है कि वो उसका ही उसी खानदान का हमारे पास मेंबर है, उसी मतलब वो जो है बी का ही बेटा है, तो फिर ये बात जो है वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 और कानून और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन हमारे पास 51, ये बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, कि जो ओपिनियन जो है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन हो या फिर जो भी हो, वो जो ओपिनियन जो है ना उनका ग्राउंड्स कब रेलिवेंट मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने अपना ओपिनियन दिया कि हाँ ये मैं जो है इस आधार पर ये बयान दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास ए जो है ये बी का ही बेटा है, क्योंकि जो है बी हमारे पास बी की जो फैमिली थी ना वो ए को एज अ ट्रीट करती थी एज अ फैमिली मेंबर। अब ये जो इसने जो बुनियाद बनाया
कि क्यों, ये क्यों कह रहा है कि ए जो है बी का ही बेटा है, क्योंकि उसने देखा कि बी की जो फैमिली है ना वो ए को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करती है। अब एज अ फैमिली मेम्बर जो ट्रीट जो करना है वो ग्राउंड्स है, ठीक है। उस ग्राउंड्स जो वो जो ग्राउंड्स है ना वो ग्राउंड्स कितना रेलिवेंट माना जाएगा, वो कब रेलिवेंट होगा और कितना रेलिवेंट होगा, ठीक है। वेन एवर द ओपिनियन, वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी जिंदा शख्स का ओपिनियन रेलिवेंट हो, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रेलिवेंट, और जिन ग्राउंड्स पर उसने हमारे पास ओपिनियन दी, अपनी राय दी, वो भी रेलिवेंट मान ली जाएगी। मतलब एक शख्स, फॉर एग्जांपल इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, एक हमारे पास एक्सपर्ट एक इलस्ट्रेशन करता है, ठीक है, एक अपना एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग हिज ओपिनियन, एक एक्सपर्ट जो है अपना ओपिनियन बनाने के लिए कोई क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, क्या करता है अपना, वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, किस मकसद के लिए, अपनी अपना ओपिनियन बनाने के लिए। अब जो इसने अब एक्सपेरिमेंट किया ना, एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया ना वो एक्सपेरिमेंट भी रेलिवेंट माना जाएगा। इसने एक फॉर एग्जांपल क्या है, एक मैटर है कि ये लिखाई जो है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो ए ने लिखा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है मिस्टर एक्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने देखा कि ये जो हैंड राइटिंग ए की है, ठीक है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो किया ना, ठीक है, इसकी ओपिनियन तो रेलिवेंट हो गई, ठीक है, मगर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो जो एक्सपेरिमेंट जो है ना वो भी रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। आरी बात समझो, अगर वो शख्स की उस शख्स की डेथ हो जाए ना उसके बाद भी वो रेलिवेंट माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बार बार रीडिंग का मकसद है, आप बार बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके पास डायरेक्टर नहीं होगा, आपको कभी भी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा आर्टिकल लेक्चर था, आज हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर 44 था। कौन सा लेक्चर था आज हमारा, 44 लेक्चर के अंदर आज हमने कहाँ से आर्टिकल्स डिस्कस किए, हमने आर्टिकल डिस्कस जो किए हैं वो आर्टिकल्स 59 से लेकर 59 से लेकर हमने 65 तक डिस्कस किया। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे पास है 45 से लेकर 51 तक, आज यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। ये सिर्फ बेयर रीडिंग थी, इसके डिटेल में हम जाएंगे ना तो एक एक जो हमारे पास आर्टिकल हैं, एक एक जो सेक्शन है ना वो इतना बड़ा लेंथी हो जाएगा कि आप जो है वो इसमें जब भी आप कानून शहादत पढ़ें तो आप इसकी बेयर रीडिंग पहले आप इसकी समझ लें, उसके बाद इसकी डिटेल में जाएं आप, ठीक है, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। उससे पहले आपको ये बहुत ही बोर करेगा, बहुत ही डिस्टर्ब करेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही खुश्क सब्जेक्ट है। इसको समझना, इसको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो शख्स मुसलसल मेरे लेक्चर्स देखता है, जो बच्चा जो स्टूडेंट्स मुसलसल मेरे लेक्चर्स देखता है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उसको बेयर एक्ट समझ आ जाने के बाद उनको टॉपिक वाइज हमारे पास और जो चैप्टर वाइज है उसके बाद समझ में आएगा। पहले आप इसकी बेयर रीडिंग समझ लें, हर एक आर्टिकल की मीनिंग्स समझ लें कि वो दरअसल कहता क्या है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।